Hey guys, what's up? Hope you're studying well. So this is me, Namrata Dagra, and once again I wish you a very warm welcome on Groot Academy. So this video is about proverbs, जिसमें हम आगे की proverbs को continue करते हुए अपने preparations को आगे बढ़ाते हैं. So our first proverb is घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध. घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध. अब इस proverb का आपको एक और मिल जाएगा, एक और सेंटेंस, घर का जोगी जोगड़ा, अन्य गांव का सिद्ध. तो ये भी सेम ही है. तो इसका मतलब ये होता है, एक और कहावत आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर. वही है इसका मतलब, कि घर के अंदर कोई अगर कोई इंसान है, टैलेंटेड है या कैपेबिलिटी है जिसके अंदर, बहुत अच्छा स्किलफुल है, तो उसकी इतनी ज़्यादा कद्र नहीं होती, जबकि बाहर का जो इंसान है उसकी ज़्यादा कद्र होती है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है. तो इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर. सो सेम मीनिंग है इसका. तो इसको क्या कहते हैं, अ प्रोफेट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड. अ प्रोफेट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दूर के ढोल सुहावने होते हैं. दूर के ढोल सुहावने होते हैं. ये तो पता ही है आपको कि कोई चीज़ अगर दूर से देखें तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पास जाके देखें तो वो इतनी खास नहीं होती है. या हम कह सकते हैं दूर दूर के जो रिलेशंस होते हैं उनमें बहुत प्यार होता है, और जैसे ही वो पास आ जाते हैं फेमिलियरिटी और बढ़ती है, तो वैसे ही खटपट होनी शुरू हो जाती है और तकरार होनी शुरू हो जाती है. हमारी प्रवाब क्या है, डिस्टेंस लेंस एनचेंटमेंट टू द व्यू. डिस्टेंस लेंस एनचेंटमेंट टू द व्यू. तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट इज 100 दिन चोर के, एक दिन साध का. 100 दिन चोर के, एक दिन साध का. इट मीन्स कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है. वो कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता है, सुराग तो छोड़ ही जाता है, और हम कह सकते हैं कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है. और अब हम जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो द प्रवर्ब इन इंग्लिश इज ईविल कैन नॉट थ्राइव फॉर एवर. ईविल कैन नॉट थ्राइव फॉर एवर. बुराई हमेशा नहीं टिकी रह सकती. Right guys, let's move on to the next proverb, and the next one is सौंदर्य को आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है. सौंदर्य को आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है. It means natural beauty होनी चाहिए. Natural beauty का मतलब ये नहीं है कि शक्ल सूरत से सुंदर होना चाहिए, बल्कि सीरत सुंदर होनी चाहिए, यानी कि आपका मन सुंदर होना चाहिए. Anyway, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गए. बाकी सौंदर्य को आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, कि नेचुरल ब्यूटी होती है वही सफिशिएंट होती है. ये चीज़ जो है वैसे गर्ल्स के लिए ज़्यादा हो सकती है इम्पॉर्टेंट, इससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच सकता है मेकअप का, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में. बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नमेंट्स. ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नमेंट्स, राइट. ऑर्नमेंट्स आपको पता ही है, ज्वेलरी, एसेसरी, आभूषण, गहने, राइट. चलिए नेक्स्ट इज सच्ची बात सदा कड़वी लगती है. ये तो सबने सुन रखा होगा, सच्ची बात सदा कड़वी लगती है, हमेशा ही कड़वी लगती है सच्ची बात. तो इसको कहते हैं ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर. ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर. सच्चाई कड़वी होती है, राइट. नेक्स्ट इज शेखी का मुँह काला. शेखी का मुँह काला. शेखी बना है शेख चिल्ली से. शेखी वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो शेख चिल्ली से, जो बहुत ज़्यादा हवा में बातें करता है. दैट इज़ कॉल्ड शेखी मारना, यानी कि डींगे मारना, या हम कह सकते हैं ज़्यादा हवा में उड़ना, काफ़ी लोग बोलते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, राइट. और ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कौन करता है, जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जो घमंडी होता है, इस टाइप का इंसान जो बोलता ही बोलता है, काम तो कुछ करता नहीं है, उसको कहते हैं शेखी मारना. तो शेखी का मुँह काला का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा घमंडी. तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल. प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल. यहाँ गोथ का मतलब होता है गो से ही बना है. पहले जो ओल्ड इंग्लिश होती थी ना,
उसके अंदर ई टी एच ये एक सफिक्स लगा दिया जाता था राइमिंग के लिए या फिर मीटर में परफेक्ट बैठ जाए, इसलिए ये जो ई टी एच है सफिक्स है ये चीज़ें लगा दी जाती थी ओल्ड इंग्लिश के अंदर। तो जैसे जैसे इंग्लिश इम्प्रूव हुई, डिवेलप हुई इंग्लिश लैंग्वेज, तो वैसे वैसे ये फ्रेजेस हटते चले गए। लेकिन कुछ प्रवर्ब्स, ईडियम्स या फ्रेजेस के अंदर आप कह सकते हो कि ये वर्ड्स आज भी यूज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कहावतों के अंदर यूज़ होते हैं। बाकी लैंग्वेज में आप इनका यूसेज बहुत बहुत रेयर देखोगे, पोइम्स वगैरह में आपको मिल सकता है राइमिंग या मीटर के लिए, राइट। तो इसका मतलब तो वही है गो, और प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल, इसका मतलब है कि जो ज़्यादा शेखियाँ मारता है ना वो मुँह के बल गिरता है, यानी कि जो घमंडी इंसान होता है वो मुँह के बल गिरता है। इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कभी भी, है ज़मीन पर रहना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। बहुत छोटा सा फ़र्क होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। तो प्राइड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। अ प्राउडी पर्सन ऑलवेज एंड्स इन फेलियर ओनली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रवर्ब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, जिस तन लागे वही तन जाने, जिस तन लागे वही तन जाने। ये भी आप लोगों ने बहुत सुन रखी होगी कि जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अब इस सेंटेंस को हम हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। वेयर माने पहनना और वेयरर मतलब पहनने वाला, नोज का मतलब आपको पता ही है जानना, वेयर मतलब जहाँ, और वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है ना, आपने डब्ल्यू एच वर्ड वाली वीडियो देखी होगी, तो वेयर का मतलब हो गया जहाँ। और नेक्स्ट इज पिंचेस, पिंचेस का मतलब पिंच, पिंच यानी कि चुभना। जिसने जूता पहन रखा होता है उसी को पता होता है कि जूता कहाँ चुभ रहा है, राइट। दिस इज द सर्फिस मीनिंग, और डीप मीनिंग तो आप जान ही चुके हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है, यानी कि जो प्रॉब्लम में होता है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है उसी को पता चलता है कि रियल में उसको कैसा फील हो रहा है, राइट। आप सिर्फ उसको सांत्वना दे सकते हो, कंसोल कर सकते हो, थोड़ी हेल्प भी कर सकते हो, लेकिन फील या फिर हम कह सकते हैं कि बेयर तो उसी को करना पड़ता है, सहना उसी को पड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज जो सुख छज्जू के चौबारे, न बलक न बुखारे, जो सुख छज्जू के चौबारे न बलक न बुखारे। इसका मीनिंग हम एक और तरीके से समझते हैं, अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि जितने भी वहाँ के जेंट्स हैं गोकुलधाम सोसाइटी के, वो जाते हैं अब्दुल की दुकान पर, सोडा शॉप पे, सोडा पीने के लिए, राइट। तो क्या आप कई बार एक लाइन बोलते हैं कि जो सुख अब्दुल की दुकान पे हमें मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता, जैसा सोडा वहाँ पी के वो रिलैक्स हो जाते हैं वो सुख उन्हें वो कहीं और नहीं मिलता। उसी तरह से इसका मतलब ये है कि जो छज्जू के चौबारे पे हमें सुख मिलता है ना, कहीं मर्जी चले जाओ वैसा सुख कहीं और नहीं मिलता। अब इसको हम एक और तरीके से जान लेते हैं, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखते हैं तो मैं आपको इसका रियल मीनिंग बता देती हूँ कि जो सुख हमें घर में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। कहीं भी चले जाओ, घूम के आ जाओ, कभी भी आप घूमने कभी ना कभी तो गए होंगे ना, तो आप उस चीज़ को फील करके देखो कि जैसे ही आप घर वापस आए हो घूम के, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वाओ अब तो घर आ गए, अब चैन की नींद आएगी। बस वही है इसका मतलब, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज, दीज वर द प्रोवर्ब्स दैट आई नीडेड टू टीच यू, एंड आई एम श्योर आपको क्लियर भी हो गई होंगी। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको लर्न कीजिए, इनका सेंटेंसेस में यूज़ भी करिए ताकि आपको ये और ज़्यादा पक्की हो जाएं और आप अच्छा स्कोर कर सकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।